फ्रेंड्स, आज की वीडियो काफी इंपॉर्टेंट आपके लिए। अगर आप लोग बड़ी मशीन यूज करते हैं, बड़ी मशीन में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम कहाँ पर आती है? धागा तोड़ने की। ठीक है, सबसे ज्यादा प्रॉब्लम धागा तोड़ने की आती है। कभी कभी क्या होता है, मोटे पे चलाते तब भी मशीन हमारी धागा तोड़ती है, या फिर हमारी मशीन नीचे धागा फांसने लगती है, फांस कर तोड़ देती है, बिल्कुल पटरी के पास से भी धागा कभी कभी तोड़ने लगती है। मतलब कई प्रॉब्लम हो जाती हैं हमारी मशीन में धागा तोड़ने की। तो इन सभी का सलूशन हम आपको बताएंगे। उसके बाद पटरी को कैसे लगाएं मशीन में वो भी बताएंगे, नई पटरी को कैसे सेट करें। ठीक, ध्यान रखें पटरी को सेट करना भी एक अपने में अलग बात है, क्योंकि पटरी कई तरीके का आती है। कभी कभी क्या होता है कि पटरी का छेक बिल्कुल सीधा नहीं होता है, तब हमें प्रॉब्लम हो जाती है, और पटरी में मतलब झेंक में नहीं जाएगी तो फिर सुई तोड़ने लगेगी। ठीक, ध्यान रखें। तो इन सभी प्रॉब्लमों का सलूशन हम लेके आए हैं। बस वीडियो को आप लास्ट तक देखें, ज्यादा बड़ा नहीं है, छोटा वीडियो है लेकिन बहुत ही काम का है। तो चलिए ध्यान रखें, अगर हमारी मशीन धागा तोड़ रही है तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है हमारी पटरी में। पटरी में क्यों, क्या प्रॉब्लम होती है, तो चलिए ये भी देखें ध्यान से कि पटरी में प्रॉब्लम क्या हो जाती है आखिरकार, तब धागा तोड़ती है हमारी मशीन। तो चलिए पटरी को हम इस तरीके से खोल के ही दिखा देते हैं। ठीक है, क्योंकि अभी प्रेशर कुकर नहीं खोलेंगे, डायरेक्ट पटरी को खोलकर दिखाएंगे और नई पटरी को कैसे लगाएं और कौन सी पटरी लेके आएं, ये भी आप देख लें। इस तरीके से हमें इसे खोल लेना है। चलिए पटरी को खोल लेते हैं, अब देखते हैं पटरी में क्या समस्या। देख सकते हैं कुछ इस तरीके का इसका होल हो गया। ठीक है, ध्यान रखें, अगर इस तरीके का अगर मशीन में पटरी में होल हो जाता है तो हमारी मशीन क्या है, सिलाई छोड़ छोड़ कर भी चलती है, धागा भी तोड़ती है, सभी प्रॉब्लमें हमारी पटरी से हो जाती हैं। ठीक है, अब हम ज़्यादा अगर इसे इसके स्क्रैच को ख़त्म करेंगे तो इसका होल बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, तो इसलिए हम अब हम क्या करेंगे, हम इसकी पटरी को ही चेंज कर देंगे। ध्यान रखें, तो हम पटरी को सेम पटरी लेके आए हैं, देखें ध्यान से इस तरीके से पटरी लेके आए हैं। ठीक, लेकिन पटरी में प्रॉब्लम क्या है कि इसका होल बड़ा है। ठीक है, देखें ध्यान से इसका होल बड़ा है, तो इसका होल एक साइड में ज़्यादा हो गया। ठीक, तो सुई हमारी एक साइड में ज़्यादा चल रही है और बिल्कुल बीचों बीच में नहीं चलेगी। तो चलिए हम लगाकर दिखाते हैं, तब आपको बताते हैं फिर इसकी समस्या को कैसे सही करें कि इसका होल बिल्कुल सेंटर पर कैसे लाएं। ठीक, तो इस तरीके से हम लगा लें। तो चलिए सबसे पहले पेंच को कस लेते हैं। पट्टी को लगाने का सही तरीका देख लें, आपकी मशीन कभी भी धागा नहीं तोड़ेगी। चलिए इस तरीके से अच्छे से टाइट कर लें। तो चलिए अब हम इसका प्रेशर फुट खोलकर अलग कर लेते हैं, क्योंकि प्रेशर फुट खोलकर अलग करेंगे तभी अच्छे से आपको दिखाई पड़ेगा कि हमारा ये। तो देखें ध्यान से हमारी सुई कहाँ पे जा रही है, देखें यहाँ पर जा रही है। ठीक है, अगर हम ज़्यादा तेज करेंगे तो सुई टूट जाएगी। ठीक, तो अब इस समस्या को कैसे सही करें, तो इसके लिए हमें क्या करना है, ध्यान रखें, इसके लिए हम इसकी निडल को पहले खोल लेते हैं। ठीक, निडल को खोलकर बाहर कर लेते हैं इस तरीके से। अब ये हमारा ये डंडा है। ठीक है, अब ये डंडा है तो हमें क्या करना है, एक हमारे पास हथौड़ी होनी चाहिए। तो इस तरीके की हथौड़ी होनी चाहिए हमारे पास। तो हमें क्या करना है, इस तरीके से हथौड़ी से हल्की सी ठोंक मारेंगे यहाँ पर। ठीक है, क्योंकि हमारा आगे की साइड में सुई टकरा रही थी, तो हल्की सी ठोंक मारेंगे इस तरीके से, ज़्यादा तेज नहीं मारेंगे लेकिन हाँ फिर भी हल्की सी मारेंगे। तो चलिए इस तरीके से हमने मार ली इसमें ठोंक। ठीक, अब हम देखते हैं कि हमारी सुई का सेंटर सही हुआ या नहीं हुआ। तो चलिए अब हम नेडल को लगाते हैं। नेडल वैसे ही लगानी जैसे छोटी मशीन में लगाई जाती, बड़ी मशीन में लगाई जाती है। ठीक है, वैसे ही लगा लें। तो इस तरीके से तो देखते हैं अंतर पड़ा, देखें तो ये सुई हमारी छेंक के अंदर जाने लगी। तो अब हमें क्या करना, अब थोड़ा और सेटिंग कर लेनी है, इतना ही ठोंकें, ज़्यादा नहीं ठोंकें। अब हमें क्या करना, अब हमें कहाँ पर इसकी सेटिंग करनी है। ठीक है, तो हम अब क्या करेंगे, ये वाला पेंच थोड़ा लूज करेंगे, ये वाला भी लूज करेंगे थोड़ा। ध्यान रखें, थोड़ा हमें पटरी को आगे की तरफ खिसकाना है। ठीक, इस तरीके से थोड़ा इसे लूज कर लें और हल्का सा आगे बढ़ाएं। तो हल्का सा इसे ठोंक मार दें, देखें ध्यान से, अब सुई बिल्कुल छेंक में जाने लगी है। तो चलिए अब हमें क्या करना, इस तरीके से इसे कस लें। तो सुई छेंक में सही से जाने लगी है।
अभी थोड़ा प्रॉब्लम और दे रही है क्योंकि ये अभी हल्का सा और टकरा रही है। तो क्या करना है, हमें यहाँ पर थोड़ा ठोंक और मार लेनी है, तो फिर हमारी सुई सही से जाने लगेगी। और उसके बाद एक और सेटिंग करनी है, वो भी देख लें। तो हमें क्या करना, थोड़ा हल्का सा इसमें और थोड़ा सा ठोंक मार लें। चलिए अब देखते हैं सुई हमारी सही काम कर रही है नहीं कर रही है। चलिए अब हम पेंच कस लेते हैं अच्छे से। चलिए ये तो अंदर जाने लगी, लेकिन अभी हमारे दांत थोड़ा बैठ गए हैं, ठीक है। तो दांतों को और उठा लें हम, तभी हमारी मशीन सही से चलेगी। अब दांतों को कहाँ से उठाएंगे, क्योंकि चलिए अब चलाकर दिखाते हैं कपड़ा आगे बढ़ा रही नहीं बढ़ा रही है। तो चलिए इसका रदरफुट कस लेते हैं। तो चलिए पटरी के अंदर, तो पटरी तो सही लग गई। अब हम देखते हैं कि कपड़ा आगे बढ़ा रही है कि नहीं बढ़ा रही है। देख सकते हैं मशीन मेरी कपड़ा आगे नहीं बढ़ा रही, तो इसे हम कैसे ठीक करें। तो इसके लिए हमें क्या करना है, इसे पलटा लें मशीन को इस तरीके से, इसे पलटा कर यहाँ पर देखें, यहाँ पर ये पेंच लगा हुआ है, ठीक है। इस पेंच को लूज करेंगे और ये दांत हमारे ऊपर उठ जाएंगे। कैसे उठेंगे चलिए दिखाते हैं आपको। तो आपको क्या करना है, इस तरीके से हल्का सा पेंच को लूज कर लें इसे लूज कर लें। अब क्या करना है, अब हमें करना है जे वाली चिमटी है थोड़ा ऊपर उठानी है, ठीक है। तो कैसे उठाएंगे, यहाँ पर माने देखें, यहाँ पर हल्की चौंक। चलिए देखते हैं दांत मेरे ऊपर उठे या नहीं। देखें ध्यान से, दांत हमारे ऊपर उठ गए हैं। चलिए अब इसे हम कस लेते हैं, इसे यहाँ पर कस लें। अगर दांत नीचे बैठा लें तो फिर हमें क्या करना है, ये चीज़ है थोड़ा ये वाला सिस्टम है, थोड़ा इस साइड कर लेना है तो दांत नीचे हो जाएंगे, उस साइड कर लेंगे तो दांत ऊपर हो जाएंगे, ठीक। दांतों को ऊपर उठाने का यही सबसे बढ़िया तरीका है। तो चलिए हम चेक करके देखते हैं मशीन कपड़ा आगे बढ़ा रही है नहीं बढ़ा रही है। तो देख सकते हैं कपड़ा आगे बढ़ाने लगी मशीन, चाल खोलेंगे तो और अच्छे से कपड़ा आगे बढ़ाएगी, ठीक। तो ये काम तो हमारा हो गया। तो चलिए धागा डालकर भी देखते हैं मशीन चल रही है कि नहीं चल रही है। चलिए मशीन सिलाई भी सही दे रही है, तो मशीन एकदम ओके चल रही, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए एक बार और चला के दिखा देते हैं, बिल्कुल तसल्ली मिल जाए तब लाइक करें, ठीक। लेकिन लाइक करके जाएं। भाई लाइक, आपसे लाइक कराने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है हमें, तो हम आपसे लाइक करवाते हैं। तो चलिए देखें ध्यान से, ये हमारी एकदम सही हो गई मशीन, एकदम ओके चलने लगी। अगर अभी आपकी कोई कमेंट रह गई, कोई भी प्रॉब्लम रह गई, तो हमें कमेंट ज़रूर करें। नेक्स्ट वीडियो आपकी कमेंट पर ही होगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए धन्यवाद।